हाँ बच्चे, अगर इस तरीके से मैं अगर बात करूं, आपको कभी एग्जाम्स के अंदर मिले कि भैया n बाई टू मतलब क्या होता है, सेंटी नॉर्मल होता है, n बाई फाइव मतलब क्या होता है बेटा, पेंटी नॉर्मल, ठीक है, n फाइव n अगर जब लिखा हो तो क्या होगा, पेंटा नॉर्मल बात कर रहा होगा। उसी प्रकार आपको जो है n हंड्रेड या फिर n टेन मिले भैया, n टेन मिले तो क्या होगा, बेन टेन नहीं भैया, n टेन की बात हो रही थी, ठीक है, तो क्या बोलेंगे, डेसी नॉर्मल बोल देंगे। n जब हंड्रेड होगी तो सेंटी नॉर्मल बोलेंगे, और n थाउजेंड जब होगा तो उसी को बोलेंगे हम लोग मिली नॉर्मल। क्या बोलेंगे बेटा, मिनी नॉर्मल या फिर मिनी नॉर्मल था बोल सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, सारे बच्चों को समझ आया। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगर हम इतने टाइम से पढ़ रहे थे तापमान में निर्भरता के आधार पर डिपेंडेंसी के अकॉर्डिंग, ठीक है, कौन कौन से कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स होते हैं वो काम कर रहे थे। अब भैया हम बात करेंगे तापमान में अनिर्भरता के आधार पर ऐसे कौन कौन से जो है टर्म्स होते हैं जिसे हमको जानना जरूरी है, जो कि हमारे बोर्ड के एग्जाम्स में आए हैं या फिर आने वाले हैं। क्या बच्चे आए हैं या फिर आने वाले हैं, सारे बच्चों क्लियर है, ध्यान सुनना। सबसे पहले मैं बात करूंगा द्रव्यमान प्रतिशतता के बारे में। क्या बच्चे, द्रव्यमान प्रतिशतता जिसे हम बोलेंगे, जो है हमारा मास परसेंटेज बात कर रहे होंगे, मास परसेंटेज, ठीक है, वेट वेट परसेंटेज हम बात करेंगे, मास के बारे में बात करेंगे। तो मास मतलब क्या, वो भी द्रव्यमान की बात हो रही है, ठीक है। अगर मैंने आपको जो है एकदम फाड़ू वाला बच्चा, ठीक है, हमारे पास एक फाड़ू वाला, क्या बच्चा, एक फाड़ू वाला ट्रिक कौन सा है, फाड़ू वाला ट्रिक हमारा जो है नीचे में जो हर में, ठीक है, हर में हमेशा हम किसके लेंगे, विलियन की बात करेंगे, हर में किसके लेंगे, विलियन की बात करेंगे। और दूसरे जो बच्चे हमारा जो एक इसके ऊपर में, दूसरा नहीं बोल सकते, इसके ऊपर में अंश में बात करेंगे, हम अंश में किसके बारे में बात करेंगे, विलेय के बारे में बात करेंगे, अंश में जो है, सॉरी, हर में जो है, अंश में जो है विलेय के बारे में बात करेंगे, हर में जो है विलयन के बारे में बात करेंगे। अब ध्यान सुनना, मजा आएगा, ठीक है। देखो भैया, सिंपल सी बात है, किसी विलेय पदार्थों के भार भागों की वह संख्या जो विलयन में 100 ग्राम भारों में, भार भागों में उपस्थित होते हैं, मतलब सिंपल सी बात है, हमारे पास एक ऐसा जो है सॉल्यूशन होगा, ऐसे सॉल्वेंट होगा जिसके भार जो है 100 ग्राम होने वाला है। कितना बच्चा, 100 ग्राम, याद रखना 100 ग्राम बात कर रहा हूं, ठीक है, एक लीटर की बात नहीं हो रही इधर, किसकी, 100 ग्राम की बात हो रही, एक लीटर की बात ही नहीं हो रही भैया, यहां पे 100 ग्राम की बात हो रही, भार की बात हो रही, ठीक है। तो 100 ग्राम भार विलयन के अंदर कितने जो है विलेय की मात्रा घोली जा सकती है, डाली जा सकती है, क्वांटिटी और जो है रखी जा सकती है, उसी का हम बोलेंगे द्रव्यमान प्रतिशतता। क्या बोलेंगे बच्चे, उसको किससे मेजर करेंगे, द्रव्यमान प्रतिशतता से। सारे बच्चों को क्लियर है। अब देखो बच्चा, आपको पता है कि भैया हमारे पास जो विलेय का द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान मतलब डब्ल्यू वेट, ठीक है, विलेय का द्रव्यमान ए है, ठीक है, उसी प्रकार विलेय का द्रव्यमान डब्ल्यू बी कर दूं, अगर मैं दोनों को बना दूं तो भैया हमको क्या मिलेगा, सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है, विलयन मिलेगा। सारे बच्चों को क्लियर है। अब विलयन जब मिला तो अगर मेरे को, मैं बोल दूं भैया कि मेरे को VA बस चाहिए, मेरे को VA बस चाहिए, तो आप क्या करोगे, VA बाई जितना भी सॉल्यूशन करने है, अंश में क्या बचा, विलेय, विलेय है, तो VA अपॉन अपॉन WA, सॉरी VA नहीं यार, WA अपॉन WA प्लस WB। अगर मैं डब्ल्यू बी बोल दूं तो क्या करोगे, WB अपॉन WB प्लस WA, ठीक है, WA प्लस WB, ऐसा होगा ये। क्लियर सारे बच्चों को, समझ में आया, मक्खन समझ में आया, मजा आया, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगर आपको ऐसा क्वेश्चन दे, ठीक है, इसके ऊपर क्वेश्चन है, तो आप क्या करोगे, ऐसे कौन से तिकड़मबाजी लगाओगे कि आपको समझ आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि बच्चे मैं इस पे ज्यादा फोकस कर रहा हूं, क्योंकि इसमें आपको दो से तीन बार जो है क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक तो मोलरता से आपको जो है न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा गया है, या एक एक तो बच्चे यहां से द्रव्यमान प्रतिशतता से जो है न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा गया है, एक भैया मोलरता, मोलैलिटी की बात कर रहा हूँ, ठीक है, मोलरता की बात नहीं कर रहा, मोलैलिटी की बात कर रहा हूँ, तो मोलैलिटी की बात कर रहा हूँ, तो वहां पे मोलरता से एक क्वेश्चन, एक हाँ वहां से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। और बच्चे जो है हमारे जो मोल प्रभाव, मोल फ्रैक्शन, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत मक्खन, बहुत जबरदस्त कॉन्सेप्ट है, वो हमारे जो है वहां से एक क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है, आपको एक क्वेश्चन की बात करूँ, मतलब वहां से न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, वो भी अच्छे और एकदम अच्छे लेवल के न्यूमेरिकल पूछे गए हैं, ठीक है। सारे बच्चों को क्लियर है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ध्यान सुनना बच्चे, अगर मेरे को यहां से आपको जो है न्यूमेरिकल कभी पूछ दे, भैया ये आपके लिए एक क्वेश्चन है, ठीक है, चलो भैया आपकी आसान करें, मैं ही सॉल्व कर देता हूं, आपके लिए होमवर्क देते हैं, ठीक है, आपके लिए होमवर्क देंगे, ध्यान सुनना, अगर इसको सॉल्व करना हो अपन को, सॉल्व करना तो अपन क्या करेंगे, ध्यान सुनना, क्वेश्चन पहले पढ़ने आना चाहिए भैया, क्वेश्चन हमको पहले पढ़ने आना चाहिए, क्वेश्चन में बोल क्या रहे होते हैं, क्लियर, मजा आया। अब देखो भैया, द्रव्यमान की दृष्टि से, किसकी दृष्टि से भैया, आपकी दृष्टि से नहीं, किसकी, द्रव्यमान की दृष्टि से, द्रव्यमान की दृष्टि से 25% विलयन के, समझ में नहीं आ रहा सर, बिल्कुल ध्यान सुनना, मक्खन समझ आएगा, ठीक है। देखो 25% बोल रहा है बेटा, 25% बात कर रहा है, ठीक है, विलयन में, विलयन, सॉरी, विलयन के 300 ग्राम, 25% विलयन के 300 ग्राम, क्या कर रहा है बेटा, 25% के विलयन के 300 ग्राम, 300 ग्राम में बात कर रहा है, ठीक है, 300 ग्राम, ठीक है। अब 40% के 400 ग्राम, क्या बात कर रहा है बेटा, 40%, 40% के 400 ग्राम, ठीक है, 400 ग्राम। अभी अपन पढ़े थे, हमको अगर द्रव्यमान प्रतिशत निकालना हो तो आपस में ठीक है, आपस में मिलाने पर प्राप्त मिश्रण का द्रव्यमान प्रतिशतता निकालनी है। अगर मैं बच्चे आपको ये सिंपल करके बता दूं तो एकदम मक्खन समझ आएगा, अभी सारे बच्चे सॉल्व करके निकाल लोगे,
ठीक है, अभी सॉल्व करके निकाल दो, एकदम क्लियर कर दूंगा। देखो ध्यान से, अगर ये 25% दिख रहा है ना, इसको अगर मैं बच्चे आप लोग को अभी डब्ल्यू ए कर दूं, इसको अभी डब्ल्यू ए कर दूं, ठीक है, और ये जो 40% वाला दिख रहा है इसको अगर मैं जो है आपको डब्ल्यू बी कर दूं, ठीक है, डब्ल्यू ए और डब्ल्यू बी कर दूं, और आपको निकालने क्या बोला है, द्रव्यमान प्रतिशतता। अभी अपन ने यहां पे क्या सीखा, द्रव्यमान प्रतिशतता कैसे निकलता है सर, ये देखो द्रव्यमान प्रतिशतता डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी, ठीक है, अगर मेरे को निकालना हो एक चीजों के लिए तो क्या होगा, डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू सॉरी डब्ल्यू ए अपॉन डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी होता है, ठीक है, द्रव्यमान प्रतिशतता की बात होगी। अगर मेरे को बच्चे अलग अलग इसको निकालना हो तो मैं तो बहुत ज्यादा इजी निकाल दूंगा सर, बहुत ज्यादा इजी निकाल दूंगा। कैसे निकालूंगा ध्यान सुनना, अगर बच्चे अगर मैं इसकी जो और अच्छे से कैलकुलेशन में नहीं आऊं, ठीक है, अभी सारे बच्चे सॉल्व कर पाएंगे उम्मीद कर रहा हूं, ठीक है, अगर इसको जो और अच्छे कैलकुलेशन पे जाऊं बच्चे ध्यान सुनना, ठीक है, ये जो 25% आपको दिख रहा है, ये जो 25% आपको दिख रहा है, ये 25% में क्या होता है बेटा, 25% जो किसके लिए है, 25% 300 ग्राम जो है विलियन के लिए है, 300 ग्राम विलियन के लिए है, लेकिन हमने क्या पढ़ा हुआ है यहाँ पे 100 ग्राम भार होगी संख्या 100 ग्राम, मतलब भैया सिंपल सी बात है, इस 25 को मैं 3 से डिवाइड करूंगा तब 300 ग्राम के अकॉर्डिंग होगा, 300 ग्राम के अकॉर्डिंग होगा, क्योंकि ये तो 300 ग्राम के लिए, हमको चाहिए किसके 100 ग्राम के लिए चाहिए रहता है, तो 100 हम जो इसको 300 तो हम क्या करेंगे 300 गुना कर देंगे तभी तो होगा भैया, तो क्या होगा 75 ग्राम होने वाला है, क्या होने वाला बच्चा इसका वैल्यू 75 ग्राम होगा। अगर सेम इसी प्रकार से मैं जो है ये 40% का बात करूं, 40 की बात करूं, तो 40 क्या होगा बच्चे, यहां पे 4 बात करते हैं, यहां 4 से गुना कर दूंगा तो ये हो जाएगा 160 ग्राम होगा। क्लियर सारे बच्चों को, ठीक है, क्लियर। अब देखो यहां पे 75 और मैं 60 को जब करूंगा तो क्या मिलेगा बच्चा मेरे को, कितने मिलेगा भैया ये 5, ये हो गया 3, 2 ग्राम, हाँ 235 ग्राम मेरे को इस तरीके से मिलेगा, क्लियर, जो कि क्या होगी विलेय का द्रव्यमान होने वाला है, किसका बच्चे विलेय का द्रव्यमान होने वाला है, क्योंकि इतने सारे हमको विलेय कर रहे हैं भैया, घोलना ही तो है ना, इसका विलयन में 300 ग्राम जो है घोले गए हैं, आपस में मिलाने पर बात करें ना, आपस में मिलाने पर प्राप्त मिश्रण, मतलब इनको जो है घोला गया है, टाला गया है विलयन के अंदर, समझ आया, तो विलेय मतलब कौन डलता कौन है, विलेय ही तो डलता है ना, तो विलेय का द्रव्यमान की यहाँ पे बात हो गई, क्लियर सारे बच्चों को, द्रव्यमान की बात यहाँ पे क्लियर है, ठीक है। अब देखो विलेय की द्रव्यमान के जो है यहां पे कैलकुलेशन सारे बच्चों को समझ आया, अब सिंपल से कैलकुलेशन लगाना है भैया, हमारे पास जो 300 दिख रहा है, 300 ग्राम दिख रहा है, ठीक है, यहां पे जो 300 ग्राम दिख रहा है, यहां पे लिख देता हूं 300 ग्राम जो है, 300 ग्राम प्लस क्या होगा बच्चा, 300 ग्राम प्लस 400 ग्राम होगा, 300 ग्राम प्लस 400 ग्राम होगा, ठीक है, जब इसको मैं करूंगा तो मेरे को 700 ग्राम ओवरऑल जो है सॉल्यूशन मिलेगा, 7 पता नहीं भैया क्या कर रहे हैं अपन, ठीक है, इसको बोलेंगे 700 ग्राम, बोल देंगे 700 ग्राम, ठीक है। अब एक सिंपल सा भैया, सिंपल एकदम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत सस्ता सा, ठीक है, ध्यान से सुनना, यहाँ पे थोड़ी सी पेजेस की कमी हो गई है, क्या करें यार, इसको ये उठा के अपन जो है यहाँ पे ले आते हैं सिंपल, ठीक है, और थोड़ा सा इसको उठा के, हाँ अब आ गया अपने पास पेज, ठीक है, ध्यान से सुनना, ठीक है, अब इसको कंटिन्यू करते हैं अपन। देखो हमको क्या मिला, विलयन का द्रव्यमान मिल गया भैया। अब देखो हमको जो है कब निकालना हो, हमको जब निकालना हो भैया विलेय का, यहां पे बात करूं विलेय का द्रव्यमान क्या होता है बेटा, विलेय का द्रव्यमान और विलयन का द्रव्यमान, ठीक है, द्रव्यमान की बात हो गई, सिंपल कैलकुलेशन। अब इसको हम प्रतिशतता की बात करें, मतलब 100 से जो है इंटू कर देंगे तो हमको पता चल गया 235, ठीक है, बटा 700। अब सॉल्व कर दो भैया, इतने तो बचपन की बातें हम जो है आपको सिखा चुके हैं कैसे चीजें करती है, एकदम इजी बच्चे, सारे बच्चे यहां पे सॉल्व कर पाएंगे। आप थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ये ना बच्चे आपके लिए क्या है, होमवर्क है, ये बच्चे आपके लिए होमवर्क है, आप इसको सॉल्व करें, बहुत अच्छे से सॉल्व करें, हमको क्या करें बेटा मेल कर सकते हो, क्या कर सकते हो, हमको जो है मेल कर सकते हो, जिसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नंबर आओगे ना उसमें आप मेल कर सकते हो, या फिर जो है आपको व्हाट्सअप कर दो, या फिर बच्चे आप जब व्हाट्सअप नहीं करना चाहते तो आप क्या कर सकते हो, इसको सॉल्व करके ना कमेंट सेक्शन में आंसर बता देना है, कमेंट सेक्शन में आंसर बता देना है, लिख देना है, सबको बता देना है भैया, आप सब जान रहे हो अभी, ठीक है, आप बहुत हीरो हो अभी, सब जान रहे हो, ठीक है, तो इस प्रकार से बच्चे ये आपके लिए होमवर्क होने वाला है, इसी जो है द्रव्यमान प्रतिशतता का ही आंसर है, सॉरी वो है, ठीक है, होमवर्क है बच्चे, क्लियर है सारे बच्चों को, ठीक है। अब देखो हम बात करेंगे मोल प्रभाज के बारे में, मोल फ्रैक्शन, ये ना बच्चे आपके लिए बहुत ज्यादा स्टार होने वाला है, मूवी में जो हीरो होता है ना भैया, मूवी में जो हीरो होता है यही हमारा एक जो है इस मूवी का विलियन मूवी का क्या है, हीरो है, विलियन मूवी के विलियन चैप्टर का हीरो है, केजीएफ चैप्टर 2 नहीं बात कर रहा भैया, विलियन की बात, हमारा चैप्टर नंबर 2 तो विलियन है, केजीएफ चैप्टर 2 नहीं चल रहा इधर, ठीक है, ध्यान सुनना, ठीक है। अब देखो मोल प्रभाज की बात कर दूं, ठीक है, मोल प्रभाज की बात करूं तो मोल प्रभाज जिसको हम मोल अंश बोलते हैं, इसको हम जो है मोल अंश भी बोल रहे होंगे,
ठीक है, मोल अंश बोल देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है किसी को, ठीक है, प्रभाज मतलब अंश की बात कर रही है। अब मोल प्रभाज अपन को बोलना हो तो क्या करेंगे भाई, मोल प्रभाज निकालना तो मैं करूंगा, किसी विलयन में उपस्थित किसी अवयव, विलयन में क्या होता है भैया, अवयव क्या होगा, विलायक और विलेय, क्लियर बात है, विलायक और विलेय के मोलों की जो संख्या होती है तथा विलयन में क्या होती है उपस्थित कुल मोलों की संख्या के अनुपात को ही हम लोग मोल प्रभाज बोल रहे होंगे। सारे बच्चों को समझ नहीं आया होगा, ध्यान सुनना, एग्जांपल दूंगा एकदम मक्खन समझ आएगा, ठीक है, ध्यान सुनना बच्चे, ठीक है। अगर भैया हमारे पास जो है एक विलयन है, क्या है, एक विलयन है, ये जो विलयन है, अब ये विलयन किस किस से मिलकर बना होता है सर, ये विलयन जो है ना बच्चा क्या होता है, विलयन जो विलेय से मिलकर बना रहता है, विलेय से मिलकर बना रहता है, और जो है विलायक से मिलकर बना होता है, विलायक से मिलकर बना होता है, विलेय और विलायक से मिलकर बना होता है। अब इतना विलेय और विलायक से मिलकर तो बना है, लेकिन क्या सर, ठीक है, हम जो इस विलयन का मोलों की संख्या की बात करेंगे, एन की बात करेंगे, मतलब भैया मैं बात कर दूं यहां पे सॉल्यूट की बात करूं, क्या बात करूं, सॉल्यूट नहीं बोलते हैं अपन जो हिंदी में बात करते हैं, ठीक है, विलेय की बात करूं, ठीक है, विलेय की, विलेय प्लस विलायक की मोलों की संख्या, मोलों की संख्या डिवाइड बाय, मोलों की संख्या डिवाइड बाय विलेय की मोलों की संख्या, विलेय की मोलों की संख्या, ये हमारा क्या होता है बेटा, मोल प्रभाज होने वाला है, ये हमारा जो है मोल प्रभाज होने वाला है। सारे बच्चों को मक्खन तरीके से समझ आया होगा, ठीक है। अब देखो इसको थोड़ा सा हम न्यूमेरिकल टाइप में बात करते हैं, कैसे इसको जो है सॉल्व कर पाएंगे और अच्छे तरीके से, ध्यान सुनना बच्चे, ठीक है, देखो, ठीक है बच्चे, अब ध्यान सुनना मजा आएगा, ठीक है, देखो, ठीक है, अगर सपोज करो भैया हमारे पास एक कंटेनर है, ठीक है, जिसके अंदर जो है एक द्रव्य भरा हुआ है, एक द्रव्य इस तरीके से ऐसा भरा हुआ है, ठीक है, एक द्रव्य इस तरीके से भरा हुआ है, हमारे पास एक दूसरा कंटेनर है, इसके अंदर द्रव्य इस तरीके से भरा हुआ है, ठीक है। अब इसका कुछ पोर्शन भैया, कुछ पोर्शन जिसका इस कंटेनर का नाम ए, इस कंटेनर का नाम बी, ठीक है, अब इसका कुछ पोर्शन जो है आएगा एक्स ए, इसका कुछ पोर्शन आएगा बेटा एक्स बी, ठीक है, एक्स ए कुछ पोर्शन जिसको हम जो मूल प्रभाज को ना बच्चे याद रखना, मूल प्रभाज को हम लोग यहाँ पे एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स से, किससे, एक्स से रिप्रेजेंट करेंगे, तो इसी को मैंने यहाँ पे लिखा भैया, सिंपल सी बात है, एक्स ए और एक्स बी, और दोनों को हम जब मिलाएंगे तो हमको जो है एक सॉल्यूशन मिलेगा, एक क्या मिलेगा बेटा, सॉल्यूशन मिलेगा, विलयन मिलेगा, सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है। तो इसी सॉल्यूशन को मैं बोल सकता हूँ एक्स ए प्लस एक्स बी बोल सकता हूँ, एक्स ए प्लस एक्स बी बोल सकता हूँ, क्लियर सारे बच्चों को। जब हम एक्स ए, इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना, स्टार बना के लिखता हूँ, जब मैं एक्स ए प्लस एक्स बी करता हूँ तो मेरे को हमेशा जो है वन मिलता है, क्या मिलता है बेटा, वन मिलता है। अगर मेरे को एक्स ए का वैल्यू निकालना हो सर, मेरे को एक्स ए का वैल्यू निकालना तो मैं क्या कर सकता हूँ, वन माइनस एक्स बी कर सकता हूँ, या फिर मेरे को जो है एक्स बी का वैल्यू निकालना तो मैं क्या कर सकता हूँ, वन माइनस एक्स ए कर सकता हूँ, क्लियर सारे बच्चों को, क्लियर, क्लियर, बहुत जबरदस्त तरीके से क्लियर होगा, क्लियर। देखो ये आपके पास जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला आप लोग कभी नहीं भूलिएगा, ठीक है बच्चे, ये फॉर्मूला आपको अभी नहीं भूलिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा, कितनी बार बोलूं भाई, उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, जितनी बार भी बोल लूं उतने ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो आप लोग बच्चे इसको कभी नहीं भूलिएगा, क्लियर सारे बच्चों को, ठीक है, ये फॉर्मूला आपको नहीं बोलना है, ठीक है। ये मूल प्रभाज का जो है कंसेप्ट हुआ। अब थोड़ा सा हम जो है मूललता के ऊपर आते हैं कि मूललता आखिर कैसे होती है, ठीक है, मूललता की बात करूंगा बेटा, ये आपके थोड़ा सा हटके है, थोड़ा सा क्या है, हटके है, कैसे हटके है मैं बताता हूँ, ध्यान से सुनना भैया, यहाँ पे हम बात कर रहे थे, इतने टाइम से अपन जब बात कर रहे थे ना, तो क्या बात कर रहे थे, विलयन का जो था, ठीक है, विलयन को जो था बेटा, हम जब इतने टाइम से बात कर रहे थे, तो विलयन का लीटर में बात कर रहे थे, विलयन का बच्चे लीटर में आयतन की बात कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे आने के बाद ये जो लीटर होता है, ये जो लीटर होता है बेटा, ये यहाँ पे केजी में बदल जाता है, किसमें, केजी में बदल जाता है, किलोग्राम में बदल जाता है, सिर्फ इतना ही डिफरेंस होगा और कुछ डिफरेंस नहीं होगा, ठीक है, और कुछ डिफरेंस नहीं होगा, सिर्फ इतना ही डिफरेंस, रक्ता नहीं मानना, एकदम कंसेप्ट याद रखना, ठीक है, सारे बच्चों को पता है। अब देखो इसको डेफिनेशन में बात करूं, अगर किसी विलयन की मोलरता विलायक की एक किलो की बात हो रही, क्या बच्चे, वहां पे एक लीटर की बात हो रही थी, बाकी इतने जो टर्मिनोलॉजी अपन पढ़ रहे थे वहां पे एक लीटर की बात हो रही थी, और सिर्फ इसी फंडे में क्या होगा बच्चा, एक जो है किलोग्राम की बात होगी, ठीक है, एक किलोग्राम की बात होगी, तो एक किलोग्राम जो है विलयन में, एक किलोग्राम विलयन में विलेय की कितने मोलों की संख्या, विलेय की मोल कितनी मोलों की संख्या जो है मिलाई गई है, उसी को अपन बोलेंगे बेटा मोललता बोलेंगे, क्या बोलेंगे, मोललता, मोलैलिटी, इसे हम बोलते हैं, इसे स्मॉल एल से उसको हम कैपिटल एल से, और जो है इसको, हाँ बच्चे, जो मोललता को हम लोग जो है कैपिटल एम से दर्शाते थे मोललता को, ठीक है, हम मोललता को जो बच्चे हम मोललता, लड़ता बोल रहा हूँ भाई, उसको मैं जो है कैपिटल एम से दर्शाता था, इसको जो है स्मॉल एम से दर्शाऊंगा, क्लियर बच्चे को, सारे बच्चों को। अब मोल विलेय मोलों की संख्या बटा क्या होगा, विलयन में एक किलोग्राम कितने जो है विलयन है उसको जो है हम बोलेंगे मोललता, क्लियर सारे बच्चों को, इसी को हम अपन लिख सकते हैं, विलेय की मोलों की संख्या बटा विलायक के द्रव्यमान, इसका बच्चे विलायक का द्रव्यमान बात करेंगे, और जो है ठीक है इसको हम कैंसिल करके विलायक बोल देंगे, सिंपल सी बात है भैया, विलायक बोलेंगे। अब विलायक का द्रव्यमान इनटू क्या बच्चे, क्या होगा,
1000 की बात होगी, जब भैया केजी को ग्राम में चेंज करेंगे तो क्या होगा 1000 की बात हो जाएगी। सारे बच्चों क्लियर है, समझ में आया क्या? समझ में आया, अच्छे तरीके से समझ आया। अब इसको थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इसके जो है यहां से ना बच्चे आपको जो आंकिक प्रश्न भी पूछा जाता है, आंकिक प्रश्न भी पूछा जाता है, तो उस प्रश्न के बारे में यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं कि कैसे चीजें होती है। ठीक है, अब देखो मोलरता की बात करूं तो यहाँ पे भैया सिंपल सी बात है, जो NaOH3 जो है, ठीक है, अगर मैं बात करूं तो इसका जो आणविक द्रव्यमान जो होने वाला है, आणविक जो द्रव्यमान होना है, एटॉमिक मास जो होने वाला है बेटा, वो 65 होगा। ठीक है, अगर मैं इसको सिंपल कैलकुलेशन लगा दूं तो एक मोल की बात कर दूं, एक मोल सांद्रता वाले विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए, एक मोल की बात करिए बेटा यहाँ पे, एक मोल की बात करें। ठीक है, अगर एक मोल बात करूं तो बच्चे मेरे को एक मोल जो है, एक मोल बाई एक लीटर, एक जो है हाँ, एक मोल बाई क्या होगा बच्चा 65 होगा, 65 ग्राम की बारे में बात करेगा। ठीक है, क्योंकि इसकी जो द्रव्यमान है NaNO3 का, इसका द्रव्यमान तो 65 हो जा रहा है। अब 65 से जब मैं गुना करूं तो मेरे को क्या मिलेगा, 65 ग्राम मेरे को मिल रहा होगा, 65 जो है ग्राम मेरे को मिल रहा होगा। अब ये तो समझ आया। अब दूसरी चीज यहाँ पे समझने वाली क्या है बच्चे, कि हमको जो इसका घनत्व दिया हुआ है, अब घनत्व भाई हमको सेंटीमीटर क्यूब में दिया हुआ है, सेंटीमीटर क्यूब में दिया हुआ है। अब इसको हम घनत्व को हम लोग चेंज करेंगे, जब चेंज करेंगे तो क्या होगा बच्चे, 1.25 ग्राम इंटू 1000, तो क्या होगा बच्चे 1000 हो गई, हाँ इंटू क्या होगा बच्चे 1000 होगी। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, 1250 मेरे को जो है ग्राम मेरे को मिल रहा होगा, 1250 ग्राम मेरे को इस तरीके से मिल रहा होगा। ये दो बड़े पॉइंट आपको समझ में आया। ठीक है, अब अगर हम जो है इसको जो है एक जो मोलरता निकालने की बात करें, स्मॉल m की अगर मैं बात करूं तो स्मॉल m आपको कैसे निकालना है, ध्यान से सुनना बच्चे। ठीक है, यहां पे क्या होता है, विलेय की मोलों की संख्या बटा क्या होता है, विलायक के मोलों की संख्या। ठीक है, विलायक का द्रव्यमान, सॉरी मोलों की संख्या नहीं, विलायक का द्रव्यमान, वो भी केजी में बात कर रहा होता है। किसी में भैया केजी में बात करो तो केजी में आप कैसे बात करोगे, ठीक है, केजी में आप कैसे बात करोगे, ध्यान सुनना। एक विलेय की मोलों की संख्या बात करी, एक विलेय की मोलों की संख्या, तो एक हमारे जो विलेय की मोलों की संख्या हो गई, हाँ बच्चे। तो यहाँ पे अपन को पता चला कि भैया एक मोल का कंसेप्ट यहाँ पे इतना है, 65 ग्राम होने वाला है, और मेरे को जो 1.25 जो डेंसिटी दी थी भैया, घनत्व दिया था, वो घनत्व का मैं जो 1000 से गुना करता हूँ, क्योंकि मेरे को पता है इधर से उधर चेंज करना, तो मेरे को 1000 से गुना करना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। जब 1000 से गुना करूंगा तो मेरे को 1250 मेरे को मिलेगा, क्लियर सारे बच्चों को, ये भैया पॉइंट हट जाएगा, एक जीरो लग जाएगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, कैलकुलेशन एकदम, 1250 ग्राम मिलेगा। और मेरे को पता है कि जो पूरा ओवरऑल सॉल्यूशन का जो क्वांटिटी होने वाली है, किसकी सॉल्यूशन की क्वांटिटी होनी, अगर मेरे इसके अंदर मेरे को जल की क्वांटिटी निकालनी है तो मैं क्या कर दूंगा भैया, जो हमारे पास ओवरऑल क्वांटिटी उसमें से मैं 65 ग्राम माइनस कर दूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा, 1185 मेरे को मिलने वाला है। उसी 1185 को मैं जो है डिनोमिनेटर में लिख दूंगा भैया, हर में लिख दूंगा, ध्यान सुनना है। देखो अब एक हमारा क्या बच्चे विलेय की मोलों की संख्या है, और ये भैया हमारे क्या है विलायक की मोलों की संख्या है, क्या है विलायक की मोलों की संख्या है। ठीक है, विलायक की मोलों की संख्या है। अब मोलों की संख्या भैया हमको जो ये तो केजी में दिया है, लेकिन अपन को ग्राम में मांगता है, अपन को क्या मांगता है ग्राम में मांगता है, अपन क्या कर देंगे, सिंपल सी बात है भैया, ये देखो 1 अपॉन 1.185 कर दूं, क्योंकि मैं 1000 से गुना करूंगा, मतलब यही तो मेरे को सिंपल मिलेगा ही, तो इससे मैं जब गुना करूंगा तो मेरे को जो ओवरऑल जो आंसर है बेटा वो क्या मिलने वाला है। आप लोग बच्चे इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट करके सॉल्व करके बताइएगा, मैं यहाँ पे बता दूंगा, दिक्कत नहीं है, लेकिन भैया आप लोग इसको जब सॉल्व करके मेरे को आंसर जब कमेंट सेक्शन में बताऊंगा तो मेरे को बड़ी खुशी होने वाली है, बड़ा मजा आने वाला है। तो क्या करोगे बच्चे, इसको कमेंट सेक्शन में लिख के मेरे को बताइएगा। ठीक है सारे बच्चों, क्लियर है। अब थोड़ा सा ये जो क्वेश्चन है बेटा, ये जो क्वेश्चन है आपके लिए होमवर्क होने वाला है, मैंने बहुत सारा होमवर्क दे दिया बच्चे, आप लोग जो है एकदम शिद्दत से पढ़ाई कीजिए और इसके सारे होमवर्क को सॉल्व करके मेरे को जो है कमेंट सेक्शन में बताइए भाई, तभी तो मजा आएगा ना, तभी तो 100 प्यार करने से मजा नहीं आता भाई। ठीक है, दोनों साइड प्यार होनी चाहिए, मजा आना चाहिए। ठीक है, ध्यान सुनना। ठीक है, तो ये हमारा जो होमवर्क होने वाला है, इससे पहले वाला जो सॉल्यूशन था बेटा, यहाँ पे आप सॉल्यूशन को मेरे कमेंट करोगे, इसका जो सॉल्यूशन करके पूरा का पूरा जो है कमेंट करोगे, उससे पहले मैंने आपको जो क्वेश्चन दिए हैं वो भी आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएगा कि कैसे चीजें आप जो है सॉल्व किया, कितना आंसर आपका आया हुआ है, क्लियर सारे बच्चों को। ठीक है, इसी प्रकार हम फॉर्मलता की बात करेंगे बेटा, फॉर्मलता यहाँ पे बात करेंगे, उसके बाद मैं पीपीएम के बारे में बात करूंगा, पीपीएम एक्चुअल क्या होता है। पीपीएम बहुत कम बेटा, पीपीएम आपको बहुत ज्यादा ईजी है, बहुत ज्यादा मक्खन है, ध्यान सुनना। पीपीएम बात करेंगे बेटा पार्ट्स पर मिलियन, मिलियन मतलब भैया यहाँ पे जो है 10^6 मतलब 6 शून्य आते हैं, मिलियंस में मतलब 6 शून्य ही आते हैं ना, मिलियंस के मतलब क्या होता है, 1 मिलियन मतलब 10 लाख होते हैं, 10 लाख में कितना होता है बच्चा 6 शून्य आएंगे, तो वही शून्य को हम लोग 10^6 कर देंगे, सिंपल सी बात है बच्चा। ठीक है, 10^6 कर देंगे, क्लियर सारे बच्चों को। ठीक है, अब देखो ये जो सारे बाकी जो फंडा था वो सेम टू सेम रहने वाला है, अगर इसको डेफिनेशन की अगर मैं बात कर दूं तो क्या होगा, किसी विलेय पदार्थ के भागों की वह संख्या जो किसी विलयन के 10^6 एक मिलियन भागों में क्या होता है पार्टिसिपेट करता है, उपस्थित होता है। मतलब हमारे पास इतना सारा खील बनाए अपन, इतना सारा खीर बनाया एकदम टब भर के, ठीक है, उसके अंदर अपन चुटकी भर ठीक वो केसर डाल देंगे, तो वही हमारा पार्ट्स पर मिलियन जो है क्वांटिटी आ जाएगी, क्लियर
समझ पाए, रिलेट कर पाए आप लोग, ठीक है। तो इसका जब अगर फॉर्मूला में लिखना हो हम तो क्या करेंगे, डब्ल्यू ए अपॉन डब्ल्यू ए, ठीक है, प्लस डब्ल्यू बी इंटू 10^6। यहां पर अपन क्या करते हैं, जब द्रव्यमान प्रतिशतता में अपन क्या करते हैं, डब्ल्यू ए, डब्ल्यू ए अपॉन डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी इंटू इंटू 100 कर रहे थे द्रव्यमान प्रतिशतता के केस में, लेकिन यहां पे हम क्या करेंगे 10^6, क्योंकि हम कर रहे हैं पार्ट्स पर मिलियन, मिलियन की बात कर रहे हैं, मतलब 10^6। क्लियर सारे बच्चों को समझ में आया? इसी प्रकार से बच्चे ये पूरे का पूरा जो ओवरऑल कैलकुलेशन हम लोग यहाँ पे खत्म कर चुके हैं, मोल कंसेप्ट खत्म कर चुके हैं, ठीक है। ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबा होगा, ठीक है, बहुत ज्यादा लंबा हुआ होगा, तो उम्मीद कर रहा हूं कि ये इसको जो है आप लोग अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि ये आपके 2 नंबर का सवाल है, ठीक है, 2 नंबर का सवाल है। इससे जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, इसलिए मैं सारे सारे जो है टॉपिक, सारे सारे जो है न्यूमेरिकल को कवर अप करने की कोशिश किया हूं, ठीक है। तो आपको बच्चे सिर्फ 2 ही चीजें यहां पे करनी है, कमेंट सेक्शन में सारे जो क्वेश्चन है जो मैंने यहाँ पे होमवर्क दिया हुआ है वो आपको सॉल्व करके मेरे को जो है आंसर बताने हैं। और दूसरी महत्वपूर्ण चीज बच्चे, अगर जो बच्चा यहाँ पे नया होगा तो वो हमारे जो इस चैनल को, आपके अपने चैनल को बच्चे सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों तक इसको फैलाइए, क्योंकि इसको जो बनाने में बहुत मेहनत लगती है प्यारे बच्चों, ठीक है। आपके लिए एक एक दिन रात यहाँ पे हम जाके मेहनत करें, तो आपको सिर्फ जो है हमको सपोर्ट करना है। तो इसी लेक्चर के साथ बच्चे हम लोग ये यहाँ पे मैं विदा चाहता हूँ, धन्यवाद।